नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल LSTV इंडिया में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम की ताजा अपडेट। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस जिले, किस राज्य के मौसम की जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पूरे यूपी में आंधी बारिश से भारी नुकसान की आशंका। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कई जगहों पर उखड़ेंगे पेड़। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज समूचे उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में तेज आंधी तूफान के साथ हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यूपी में हवा का रुख बदला, ग्रीष्म लहर का प्रकोप हुआ कम। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, कई जिलों में बादलों ने डेरा डाला है। तराई से लेकर पश्चिमी और पूर्वी अंचलों में कई जगहों पर बारिश हुई और तेज हवा चली। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में बने चक्रवातीय दबाव, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बनी ट्रफ लाइन तथा झारखंड पर बने चक्रवातीय दबाव की वजह से अब अगले 4 दिन तक उत्तर प्रदेश का मौसम और खराब होगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी चलने के आसार हैं और 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की आशंका जताई जा रही है। 3 दिनों के बीच आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बागपत, बिजनौर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, रामपुर, सहारनपुर व शामली में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और ओलावृष्टि की आशंका लगाई जा रही है। अमरोहा, बागपत, बरेली, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर व सहारनपुर में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। बांदा में 44 डिग्री रहा तापमान। बीते कुछ समय पहले प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा बांदा, जहां दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ, जबकि इटावा में यह 43 डिग्री रहा। उधर लखीमपुर खीरी के निघासन में सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा संत कबीर नगर के खलीलाबाद में 3, बिजनौर, बिलासपुर, रामपुर, महाराजगंज, नौतनवा में 2, गोंडा, पीलीभीत, धामपुर, बिजनौर, नगीना, बहेड़ी, नकुड़ व देवबंद में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के पश्चिमोत्तर भाग में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से झारखंड और आसपास के वातावरण में कई सिस्टम बने हुए हैं। झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक निम्न दबाव वाला ट्रफ लाइन बन रहा है। ये झारखंड के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर दक्षिण बिहार और झारखंड होकर जा रहा है। साथ ही पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इससे यहां का मौसम तेजी से बदल रहा है। इस प्रक्रिया से आगे अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में बादल छाने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुशनुमा हो गया है और हीटवेव का प्रकोप खत्म होने ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई राज्यों में तेज हवा, ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट आई है। अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो आज यहां सुबह से सूरज, बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि देश की राजधानी में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।